नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक्स ऑफ लाइफ में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड है, जो सबसे चीपेस्ट वॉशिंग मशीन है जो वो इंडिया में अवेलेबल है। माइडिया की तरफ से ये आती है। मुझे ये जो है कॉस्ट करी फ्लिपकार्ट सेल में लगभग 12,499 रुपये। बेस्ट बाय लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको मशीन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन द बॉक्स आपको वॉशिंग मशीन, इनलेट पाइप, प्रोटेक्शन कवर, स्क्रूज, ट्रांसफर बोल्ट और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। 7 kg की मशीन है, 2050 वॉट 10 एम्पीयर पे, 57 kg इसका ग्रॉस वेट है और ये आपको इसके डायमेंशन मिल जाते हैं 20,190 और जून 2018 की जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। साथ में आपको इसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये आपको मिलती है इसकी फ्रंट साइड और बॉक्स को हम लेते हैं खोल। काफ़ी आसान है इसे खोलना, बस आपको इसके बॉक्स को ऊपर उठा देना और ये ओपन हो जाती है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, हालांकि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये इंस्टॉल खुद ही कर जाएगी। साथ में इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाती है। यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो पॉज करके बड़ी आसानी से आप पढ़ पाएंगे। अभी फिलहाल के मैं इसे रख देता हूँ साइड में। साथ में आपको इसके थोड़ा सा इसके जो नीचे वाला कवर है उसे इंस्टॉल कर, ये आपको रेड कवर मिल जाता है। मशीन जो है वो अपने आप इंस्टॉल करके चले जाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, ये मशीन 2 दिन में डिलीवर हो गई थी और तीसरे दिन वो सुबह ही सुबह बंदा आ चुका था इसे इंस्टॉल करने के लिए, तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत जो है नहीं हुई। इंस्टॉलेशन में मुझे इसमें बहुत बढ़िया उनकी सर्विस लगी और पूरी तरह से उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया और इसे अच्छी तरह से इंस्टॉल करके गए। उसके बाद साथ में आपको इसके एक प्लग, ट्रांसपोर्ट पाइप, इनलेट पाइप, जो भी इसका सामान होता है वो सब आपको इसमें मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट को, होल्स को कवर करने के लिए मिल जाता है। इस सब की आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, वो सब अपने आप कर देंगे। मशीन की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रबड़ और पीछे की तरफ आपको स्टेनलेस स्टील का जो है टब मिल जाता है। टब की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और साथ में आपको यहाँ पर प्लास्टिक के थोड़े से तो 3 जो है मिल जाते हैं ताकि रबिंग जो है अच्छे से हो सके। और पीछे की तरफ भी आपको काफ़ी बढ़िया जो है टब देखने को मिल जाता है। तो जो महंगी मशीन होती है उसी की तरह जो है टब बनाया गया। उसके बाद चलते हैं हम ऊपर वाली साइड। इसमें कोई भी टच डिस्प्ले नहीं है, आपको 4 बटन मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा रिंस, प्री वॉश, नो स्पिन और पोस्ट चार्ट का। साथ में आपको एक रोटेटिंग नॉब मिल जाता है जिससे जो आप कोई भी प्रोग्राम जो है चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। जब आप इसे स्टार्ट कर देते हो तो ये आवाज़ करता है और इंडिकेट करता है कि ये घूम रहा है। आप जो भी प्रोग्राम इसमें चूज करना चाहे वो आप चूज करके बस इसे स्टार्ट कर दीजिए और मशीन जो है अपने आप कपड़े धो देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ट्रे मिल जाती है जहाँ पर आप सर्फ डाल सकते हैं। इसमें आपको 3 मिलते हैं, एक प्री वॉश के लिए एक्स्ट्रा सर्फ और साथ में आपको कलर या आपको जो ब्लू डाई होते हैं वो डालने के लिए। उसके बाद चलते हैं हम इसे स्टार्ट कैसे करना है। आपको यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले प्लग को डाल देना है और यहाँ पर आप पोस्ट स्टार्ट में ब्लिंकिंग लाइट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आप इसे रोटेट करा करेंगे आपको साउंड मिलेगी और जो भी आप प्रोग्राम चूज करना चाहे उस पर जो है आप चूज कर सकते हैं। जब आप ऑफ कर देंगे तो लाइट ऑफ हो जाती है और जब आप किसी भी प्रोग्राम पर लेके जाएंगे तो लाइट जो है ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। मान लीजिए मैं कोई भी प्रोग्राम इसमें चूज कर लेता हूँ, तो इस प्रकार आप घुमाते हुए इसे कोई भी प्रोग्राम चूज कर लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको प्रोग्राम कौन कौन से और कितना कितना टाइम लेते हैं। ये आपको मिल जाता है इसमें प्रोग्राम की लिस्ट, मैनुअल में हालांकि सब कुछ दिया गया है। आप इसे यदि पढ़ना चाहें तो पॉज करके बड़े आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग इसके फंक्शन जो भी है, कॉटन, सिंथेटिक, डेली वॉश, कॉटन, इको, और ये उनकी टाइमिंग है कि कितना टाइम जो है कोई भी प्रोग्राम लेगा। तो आप देख सकते हैं सिंथेटिक जो 2.5 kg कोल्ड है वो 1 hour 18 minutes लेगा, कॉटन जो कोल्ड है वो 1 hour 13 minutes, 20 degrees पे 1 hour 19 minutes। तो जो भी आपको इसमें आपको साथ में डेलिकेट क्लोज के लिए और जो डिले वाले फीचर्स है 9 hour 6 hour 3 hour वो भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि दोनों में ही 1 hour 13 minutes लेता है और बेसिक जब फंक्शन होता है ड्रम प्लेन स्पिन ओनली सभी फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। जो भी आप चूज करना चाहे बढ़िया आसानी से चूज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मशीन पर और इसे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको मशीन में कपड़े डाल देने हैं जो भी आपने डालना चाहते हैं और उसके बाद आप ढक्कन को जो है बंद कर दीजिए। यदि आप प्री वॉश ऑन करना चाहते तो आप प्री वॉश के बटन को प्रेस कर दीजिए और एक्स्ट्रा रिंस चाहते हैं तो एक्स्ट्रा रिंस को प्रेस कर दीजिए। आप इसके सेकंड वाला जो नंबर है उसमें आप सर्व डाल दीजिए। यदि आप प्री वॉश ऑन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले में भी डाल दीजिए। साथ में जो बीच वाला होता है उसमें डिस्पेंस, उसमें आपको या तो यदि आप जो विंटर के क्लोजर है उसके लिए अपना जो सेफ वॉश आता है वो, या फिर आपको जो नील कहते हैं हम उसे डाल देना है। प्री वॉश में ये क्या करता है, एक बार एक्स्ट्रा वॉश करता है और एक्स्ट्रा रिंस में जो है एक बार कपड़ों को ज़्यादा सुखाता है।
वो साफ पानी से ज़्यादा धोता है। नो स्पिन में जो है स्पिन नहीं करेगा। उसके बाद आपको कोई भी प्रोग्राम को जो है चूज़ करना है, मैं यहाँ पर कॉटन का जो है चूज़ कर लेता हूँ नॉर्मल वाला। यहाँ पर यदि आप जब घुमाते हैं तो इसे आवाज़ आती है जो कि इंडिकेट करती है कि ये चल रहा है। यहाँ पर मान लीजिए मैं चूज़ कर लो ये, जे आप टेम्परेचर के हिसाब से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको पहले ही दिखा दी कि किस टाइम टेम्परेचर पे क्या क्या टाइम जो है लगता है। तो यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है। तो ये आप देख रहे हैं लाइट जो है ब्लिंक हो रही है, और यहाँ पर बस आपको उस बटन को जो है प्रेस कर देना है। यदि आप इन दोनों को साथ में प्रेस कर देंगे तो चाइल्ड डॉट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाएगा, प्री वॉश जो है बदर साउंड चूज़ करता है। और ये पोस्ट स्टार्ट का बटन है जिसका कि कोई ज़्यादा आपको पता ही होगा। उसके बाद आप बस स्टार्ट बटन को प्रेस कर दीजिए, ये मशीन काम करना जो है शुरू कर चुकी है। जल्दी इसकी जो ब्लिंकिंग लाइट है वो बंद हो चुकी है, और पानी लेना जो है इसने शुरू कर दिया है। उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको यदि आप इसे बैठकर देखना चाहे तो देखते हैं, नहीं तो आप जहाँ भी जाना चाहे तो वहाँ पर जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने आपको मशीन का जो रोटेशन है ये आप देख सकते हैं। इस समय इसमें पानी आ रहा है मशीन में, तो ये इसने घूमना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से जो है बस घूमती रहती है, कपड़े धोती रहती है, कभी पानी ले लिया, कभी सर्फ ले लिया, कभी उसमें कपड़ों को साफ कर दिया। तो या आपको कुछ नहीं करना है, फुली ऑटोमेटिक जो मशीन का काम होता है वो बस खुद ही करती रहती है। आपको तो बस उसमें एक बार कपड़े डालना है और बटन को जो है दबा देना है। उसके बाद जो इसकी मेन आपको डाउट्स होंगे वो होंगे कि क्या ये वाइब्रेशन करती है या साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। साउंड जो है इसकी बहुत ज़्यादा कम है। मेरे पास पहले IFB की 6 kg वाली फुली ऑटोमेटिक थी, और उससे जो है वो लगभग 10 साल पुरानी थी, तो उससे जो है इसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा कम है। ये आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से ये कपड़े धोती है। इस समय ये जो है पानी लेके सर्फ वाला पानी लेके कपड़े धो रही है। उसके बाद ये इसे साफ पानी से 2-3 बार धोती है। वो अलग अलग प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है आप चूज कर रहे हैं। साउंड आपको इसकी भी बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं इस समय जब ये घूम रही है तो बिल्कुल भी मशीन जो है साइड्स पे हिलती नहीं। ये इस समय स्पिन कर रही है मशीन, उस समय भी ये बिल्कुल भी साइड्स पे जो है हिलती नहीं, और वाइब्रेशन जो है इसकी बहुत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ, इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। और एक बात और, आप इसे खुद इंस्टॉल करने की गलती मत कीजिएगा। इंस्टॉल जो है आप उनके सर्विस वाले से ही करवाइएगा। या आप इसकी स्पीड देख सकते हैं घूमते हुए की, साउंड जो है मुझे उम्मीद है माइक से सुन पा रहे होंगे, लेकिन जो है ये बिल्कुल सिर्फ इसी के साउंड। और एक जो मैं आपको कह सकता हूँ कि एक आपको जो साउंड की दिक्कत होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप यदि साथ वाले कमरे में भी बैठे तो भी आपको इसके साउंड जो है जल्दी जल्दी सुनाई नहीं देगी। उसके बाद यदि मैं अपना रिव्यू दूँ तो एक आपको बहुत ही कम प्राइस में वॉशिंग मशीन मिलती है। इस प्राइस में आपको कोई भी फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी, प्राइस जो है काफ़ी कम है। उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात यह है कि माइडिया जैसा एक बहुत बड़ा ब्रांड आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। किसी भी मटेरियल में कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं की गई है, पूरा जो बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल है वो चूज़ किया गया है। उसके बाद कपड़ों की वॉशिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया मुझे लगी। स्पिनिंग पे ये बिल्कुल भी साउंड या वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती है। बिल्ड क्वालिटी उन्होंने काफ़ी बढ़िया यूज़ की हुई है। हर मटेरियल आपको पूरी तरह बढ़िया क्वालिटी का जो है देखने को मिल जाता है, आपको वहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी। ड्रम जो है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ऊपर की तरफ आपको काफ़ी बढ़िया, इसमें जो मुझे कमी लगी वो होती है डिस्प्ले। हालांकि जब आप प्राइस जो है इतना कम पे कर रहे हो तो आपको वो कमी जो है इग्नोर करनी पड़ेगी इसके प्राइस को देखकर। तो यही था कुछ मेरे हिसाब से। यदि आप एक फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज करना चाहिए। आपको एक ब्रांड का भरोसा मुझे, मैंने इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज कर ली है, तो मुझे टोटल जो है 4 साल की वारंटी मिली है इसमें। तो मुझे तो इसमें कोई भी अभी तक कोई भी कमी नहीं लगी। मैं इसे लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, जो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे 1 महीना हो गया इसे यूज़ करते हुए। कपड़े जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वॉश करके दे देती है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो मशीन जो है परचेज करें तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कपड़े जो है धुल चुके हैं।